जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक न्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें साथियों हम लोग 2010 से लेकर अब तक सीएसबीसी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का हम लोग संपूर्ण रिविजन करने वाले हैं, क्योंकि साथियों आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर से भी 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे में साथियों प्रीवियस ईयर का ये जो प्रैक्टिस सेट हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और साथियों ऐसे में भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ही जरूरी होता है। उससे आपको पता चलता है कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। इसलिए साथियों आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन को रखा गया है। तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से अटेंड कीजिए और 50 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, दोपहर के 3 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है? चेरापूंजी में, मासिनराम में, कोलकाता में या फिर डी चेन्नई में। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर बताइए और बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिविजन भी हो सके। तो देखिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है? तो मासिनराम में। अच्छा, मासिनराम किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो साथ में नोट भी कर सकते हैं। अगर पूछे कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती, किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? चलिए, ये क्वेश्चन बिहार मद निषेध सिपाही में 16/10/2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसे नोट कर लीजिए, 1976 में, ठीक है। और इस 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और इसी के तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन सा शब्द है? तो समाजवादी था, पंथनिरपेक्ष था, अखंडता था। इसमें गणराज्य शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है गणराज्य, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये जो प्रस्तावना है जिसको उद्देशिका भी बोला जाता है, इसे संविधान सभा के सामने पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? इस क्वेश्चन पर आप सभी डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि रोग से संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए 3 के लिए आंसर बताइए, इनमें से कौन एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो अगर आपने ऑप्शन डी को बताया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। बाकी हैजा, क्षय रोग, गिल्टी रोग, ये सभी जीवाणु जनित रोग है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चेचक जो है ये किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस है? तो याद रखिएगा चेचक के लिए जिम्मेदार होता है वेरियोला वायरस। यहाँ पर लिख देते हैं, वेरियोला वायरस के कारण चेचक रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था।
बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए आंसर कीजिए। और देखिए साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं, अगर आपको लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए, अगर नहीं लिखना है तो केवल आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। इससे होगा क्या, आपका रिविज़न होगा और कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो अगर आप लोग सुने रहेंगे तो बिल्कुल आराम से आंसर दे सकते हैं। तो देखिए पहले क्या था, मतदान की आयु जो था 21 वर्ष था, बाद में इसे घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो ये किस संशोधन से किया गया ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए को बताया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 61वां संशोधन से। अच्छा, ये संशोधन कब हुआ था ये डेट भी पूछा जाता है, 1989 में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग थोड़ा सा क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए अगर आप लोग क्लास करना चाहते हैं तो सबसे पहला क्लास है रात 8 बजे की क्लास आपको पूरा लाइव में मिलेगा, जहाँ पर आप लोग लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई भी मिलेगा। तो रात 8 बजे की क्लास में प्रैक्टिस सेट चलता है। फिर एक क्लास है सुबह 10 बजे की क्लास जो है, इसमें स्पेशल साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। और आपको पता ही होगा कि बिहार पुलिस के एग्जाम में लगभग 40 क्वेश्चन केवल साइंस से पूछा जाता है, तो 10 बजे की क्लास को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। और अभी जो ये क्लास कर रहे हैं ये है दोपहर 3 बजे की। ठीक है, तो 3 क्लास आपको करने हैं बिहार पुलिस के लिए, रात 8 बजे, सुबह 10 बजे और दोपहर 3 बजे। और इन सब का PDF कहाँ पर मिलेगा, तो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हो जाएगा रिचर्ड एटनबरो ने। निम्न में कौन अर्धचालक है? चलिए 7 के लिए आंसर बताइए, निम्न में कौन सेमीकंडक्टर है? तो याद रखिएगा सिलिकॉन, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अर्धचालक का अगर प्रतिरोध है ताप बढ़ने पर क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है? तो इस बात को नोट कर लीजिए, अर्धचालक का प्रतिरोध जो है ताप बढ़ने पर घटता है, पूछा जाता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव वन है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव वन कौन सा है? तो याद रखिएगा सुंदर वन रिजर्व, और ये कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, सुंदरवन रिजर्व। वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? और साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए, और जब सेशन ख़त्म हो जाए तो इस सेशन को आपको अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है, ताकि हम आपको जितने भी 2010 से लेकर अब तक बिहार पुलिस यानी कि CSBC के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है संपूर्ण रिविज़न करा दें। तो यहाँ पर 9 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें बेरी बेरी रोग की समस्या हो जाती है। कौन सी रोग? बेरी बेरी रोग, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बेरी बेरी रोग ये विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ से एक रोग है पेलाग्रा, ये किससे होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा। विटामिन B3 का नाम क्या है? तो निकोटिनिक अम्ल, ध्यान रखिएगा निकोटिनिक अम्ल। आप लोग कमेंट करके बताइए विटामिन B9 का नाम क्या है, देखते हैं कौन इसका आंसर करता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? और देखिए बिल्कुल आपको सोच समझकर अपना अपना आंसर देना है, क्योंकि सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने आज के इस सीरीज में कितने क्वेश्चन सही किए। तो देखिए, हमारे सौरमंडल में मात्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी चंद्रमा या फिर कहें एक भी उपग्रह नहीं है, कौन कौन है?
तो याद रखिएगा वे है बुध और शुक्र, ठीक है, बुध और शुक्र। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे शुक्र ग्रह दिया हुआ है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और ये पृथ्वी से सबसे नज़दीकी ग्रह है शुक्र ग्रह, ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछे तो बुध ग्रह है और ये सूर्य से सबसे नज़दीक है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो शनि ग्रह है। अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहां पर 11 के लिए आंसर क्या होगा, अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन करना क्रायोजेनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रायोजेनिक्स। तो याद रखिएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पर 12 के लिए आंसर क्या होगा, पीसी महालनोबिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए साथियों, अगर आप लोग बिहार पुलिस के अलावे और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए अगर आप लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो शाम 7:30 बजे की क्लास को देखिए, शाम 7:30 बजे की क्लास आपको मिल जाएगा। मेरा एक और चैनल है, सेकेंड चैनल, उसका नाम है दिवाकर स्टडी IQ, दिवाकर स्टडी IQ, आप लोग सर्च कर सकते हैं या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। डेली शाम 7:30 बजे से रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है। चलिए आगे देखिए, क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर लगाइए फटाफट से। तो देखिए साथियों, क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग मलेरिया औषधि के रूप में किया जाता है, किसमें, मलेरिया औषधि के रूप में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है। मलेरिया में याद रखिएगा सिंकोना के छाल का उपयोग किया जाता है और मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब क्वेश्चन बन सकता है कौन सा प्रोटोजोआ है, तो प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण मलेरिया होता है। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा हुआ है। तो 14 के लिए आंसर हो जाएगा पालोस बंदरगाह। निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है, चलिए ये हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। तो देखिए ईश्वर का पर्यायवाची क्या क्या होता है, नियंत्रा होता है, सृजनहार, परमेश्वर, निर्गुण, प्रभु, स्वामी, जगदीश, स्वयंभू, जगन्नाथ, ये सभी क्या है, ईश्वर के पर्यायवाची है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है नियंत्रा और सृजनहार, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, SMTP का इस्तेमाल होता है, किसका, SMTP का, ध्यान रखिएगा SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसका पहली बार प्रयोग हुआ था 1982 में, ठीक है। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था, तो यहाँ पर इसका आंसर अगर आपने बी ऑप्शन को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए चंपारण में नील बगान मालिकों द्वारा किसानों से 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करवाया जाता था और इस व्यवस्था के विरोध में गांधी जी ने क्या किया था, चंपारण सत्याग्रह किया था। तो आंसर क्या होगा, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरम्भ किया था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च साबरमती आश्रम से आरंभ किया था, कहाँ से, साबरमती आश्रम से, और डेट पूछे कब, तो 12 मार्च 12 मार्च 1900
30 को दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने अपने 78 सहभागियों के साथ में किया था, और 6 अप्रैल डेट याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के नवसारी जिला, कौन सा जिला है तो गुजरात में एक जिला है नवसारी जिला, तो नवसारी जिले में दांडी गांव में एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था, ध्यान रखिएगा। और दांडी मार्च में गांधी जी ने कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा किया था यह भी पूछा जाता है, तो 384 किलोमीटर, ठीक है। और कितने दिनों में पूरा किया था तो 24 दिनों में, ठीक है। सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा। सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए, और पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो सुधीरमन कप ये संबंधित है बैडमिंटन से। एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण कौन सा है? चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं, मटर। पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है? चलिए इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे, आप सभी जानते हैं पाताल का विलोम क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। और गगन, नभ, ये सभी क्या है? तो गगन हो गया, आसमान हो गया, अंबर हो गया, नभ हो गया, ये सभी आकाश के पर्यायवाची है। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, न्यूटन के गति का पहला नियम। तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि न्यूटन के गति के पहले नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए साथियों, मानस टाइगर रिजर्व जो है असम राज्य में है। कहाँ पर है? असम राज्य में। असम में एक और है, याद रखिएगा, कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और असम राज्य को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है क्या है? चले 24 के लिए आंसर लगाइए फटाफट से। तो सूक्ष्म जीवीय रोग कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सिफिलिस। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है सिफिलिस, ये क्या है? तो जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है? और देखिए आपसे फिर से बोल रहे हैं, अगर आप लोग लिखना चाहे एक्स्ट्रा फैक्ट को तो लिख सकते हैं कॉपी में, जिनको नहीं पता है वो लिखें, और जिनको पता है केवल ध्यान से सुने। तो इसका आंसर हो जाएगा लीची। क्या हो जाएगा? लीची, ध्यान रखिएगा। और बिहार के शाही लीची को GI टैग भी मिला है। क्या मिला है? GI टैग, ठीक है। और मिथिला मखाना, एक पूछा जाता है मखाना, तो मिथिला मखाना को भी GI टैग दिया गया है। चलिए 27 के लिए आंसर लगाइए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और 1857 के क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछे क्या था? तो याद रखिएगा कमल और रोटी, या फिर कमल और चपाती। निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सहकारी समितियां। देखिए वैसी संस्थाएं जो बेहद कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं शाख की औपचारिक स्रोत कहलाते हैं। और औपचारिक स्रोत किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है। निम्न में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होगा? तो इसमें भी आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, लाल कलर होगा, और सबसे अधिक प्रकीर्णित होगा बैंगनी। चलिए 30 के लिए आंसर लगाइए, किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के
विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए होता है। तो 30 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। किसका होता है? हाइड्रोमीटर। और एक होता है हाइग्रोमीटर, दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, एक है हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है, जबकि हाइड्रोमीटर से किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापते हैं। अच्छा, यहाँ पे सी ऑप्शन में विस्कोमीटर, तो इससे क्या मापा जाता है, तो इससे तरल की श्यानता मापी जाती है, ठीक है। और स्टेगलोमीटर से क्या मापा जाता है, तो कांच का बना एक उपकरण है स्टेगलोमीटर, जिसके द्वारा द्रव का पृष्ठ तनाव मापा जाता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, तो 31 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। और संभारिक में क्या होता है, तो संभारिकों की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होता है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो गांधी सागर बांध, इसके साथ याद रखना है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये सभी तीनों चंबल नदी पर है। किस पर है? चंबल नदी पर। नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो साथियों, कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो एंटेमोफिली। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। कीटों द्वारा परागण जो है ये एंटेमोफिली कहलाता है। एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जल द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो हाइड्रोफिली। वायु द्वारा परागण पूछे तो एनिमोफिली। इन सारे प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। चलिए 34 के लिए आंसर लगाइए, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है? आंसर हो जाएगा 20। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। और देखिए, अगर आपको आंसर करने के लिए समय पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है तो वीडियो को रोक लीजिए, फिर आंसर कीजिए। तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा उत्पादक के द्वारा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? चलिए 36 के लिए आंसर लगाइए, इमल्शन का उदाहरण कौन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, दूध, ठीक है। इमल्शन को ही बोला जाता है पायस, ठीक है, पायस। तो पायस का उदाहरण कौन सा है, दूध है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे बादल भी है, तो बादल और धुआं क्या है, तो ध्यान रखिएगा बादल और धुआं जो है ये एरोसोल कोलाइड है। यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है, तो एरोसोल कोलाइड है, ठीक है, एरोसोल कोलाइड है बादल और धुआं। और मक्खन क्या है, तो जेल कोलाइड है। और दूध इमल्शन। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 14 नवंबर को मनाते हैं। अच्छा, मधुमेह रोग जो है किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन, याद रखिएगा इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर अंत्योदय दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 9 फरवरी को क्या मनाते हैं, आप लोग बताइए क्या होगा यहाँ पे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमन बेरी। और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो याद रखिएगा BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसके द्वारा निर्मित होता है? तो यहाँ पर 39 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा निर्मित होता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं थी? चलिए 40 के लिए आंसर बताइए, निम्न में से कौन सी समिति है जो कि चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है?
तो इसका आंसर है थुंगन समिति। ठीक है, पी के थुंगन समिति पूरा नाम है। इसका जो संबंध है पंचायती राज से है। बाकी तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये सभी चुनाव सुधार से संबंधित है। काल वैसाखी कहाँ चलती है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे क्या होते हैं? तो इसे याद कर लीजिए, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार के उत्पन्न सभी पौधे अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, अनुवांशिक रूप से समान। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? असहयोग आंदोलन की वापसी कब होती है? फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के कारण हुआ था, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 से। तो इसे वापस लेने के पश्चात स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। किसने किया था? तो इलाहाबाद में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो देखिए ऑप्शन में सी आर दास दिया हुआ है। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ये मोनेरा समूह के अंतर्गत में आता है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया जो है इसको नीला हरित शैवाल भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसे नीला हरित शैवाल कहते हैं, तो ऑप्शन में आपको साइनोबैक्टीरिया मिलेगा। तो आंसर क्या करना है? साइनोबैक्टीरिया। और मोनेरा की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक्स के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? 243। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। सभी को ध्यान रखिएगा। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं यानी कि नवंबर से अप्रैल में, क्या कहलाता है? तो जिस फसल को शीत ऋतु में उगाया जाता है उसे रबी फसल बोला जाता है। और रबी फसल का उदाहरण जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, ये सभी क्या है? रबी फसल है। और खरीफ फसल की समय अवधि की बात करें तो जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक होती है। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका धान, मक्का, बाजरा, गन्ना, ये सभी कपास क्या है? खरीफ फसल है। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है सोलर सेल में। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? चलिए अब आखिरी में दो क्वेश्चन बचा है, जिन्होंने लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक कीजिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, चरित्र निर्माण। ओजोन के एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? चलिए इसका आंसर है 3। कैसे? तो ओजोन का अणुसूत्र होता है O3, तो देख सकते हैं ऑक्सीजन का यहाँ पर 3 परमाणु है। और ओजोन लेयर वायुमंडल के किस में मिलता है? तो समताप मंडल में। आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड भी बोला जाता है इसका सदस्य नहीं है? तो सही आंसर है रूस। रूस जो है ये क्वाड का सदस्य नहीं है, बाकी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सभी है। क्वाड का गठन कब हुआ था? तो 2017 में। चलिए तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाते जाते आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, और जितना हो सके इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए।